प्रोग्राम बस थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक बार मैं बालवीर के लिए बनाया हुआ गाना गाकर प्रैक्टिस कर लेती हूँ। वो रही मेहर, अब देखो तौबा तौबा कैसे मैं इसका अपहरण करती हूँ। चल 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 बैठो मेहर बैठो। बालवीर हमारा हीरो है, विलेन जीरो है। ये विलेन है जीरो। बॉस, आपका हर आइडिया बिल्कुल आप ही की तरह एकदम बेकार है। बॉस, अब एक काम करो, पिज्जा बर्गर मंगवा लो। चुप, मुझे कुछ भी खाना नहीं है। तो आपके लिए मंगवा भी कौन रहा है? रोहित केवल, मुझे आज शांत दिमाग से सोचने दो कि मैं सम्मान समारोह कैसे खराब करूं। सोचो सोचो बॉस, पर कुछ अच्छा सोचना, बिल्कुल हमारी तरह। चुप, हाँ बैठ कर सोचता हूँ। ये अगर मुझ पे बैठ गया तो मेरे तो सुर ताल सब बैठ जाएंगे। चल, 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 चल। बच गई छलपरी, लेकिन गई कहाँ? चल परी, चल। मेहर, आखिर तुम मेरे बनाए हुए छल में फंस ही गई। छल 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 छल। ये तो मेहर की आवाज है, पर वो मुझे क्यों बुला रही? कहीं मेहर किसी खतरे में तो नहीं है? मैं अभी उसके पास जाता हूँ। अरे, हे बल्लू! ओ हेलो बल्लू, तू रिहर्सल के बीच में कहाँ जा रहा है? वो मुझे थोड़ा जरूरी काम है, अब मैं यूं गया और यूं आया। बल्लू, तू यूं जाता तो जरूर है, लेकिन यूं आता नहीं है। इस बार जल्दी आ जाना। ओ बल्लू, खड़ा क्यों है? जा, पर जल्दी आना, क्योंकि सेकंड परफॉर्मेंस हमारा ही है। जल्दी आऊंगा, मतलब जाऊं। आप, मैं कहां था? थैंक गॉड, एटलीस्ट से नीचे तो आया। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, भागती हूँ इससे पहले कि ये वापस उड़ने लग जाए। छल के छल से कब तक भागोगी मेहर? आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। छल 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 छल। We'll be right back.
आगे तो रास्ता ही नहीं है, क्या करूं? मैं बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर, 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 बालवीर बचाओ! बालवीर, बालवीर! मेहर, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ये वाहन कहाँ चला गया? तो ये है बालवीर, मजा आएगा, अब सुर लगाने में मजा आएगा। बालवीर, अब देखो कैसे राग चालाकी छेड़ती हूँ मैं। छल 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 ले ले छल 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 ले छल रिहर्सल खत्म हो गया क्या तेरा? नहीं विशाल, ये बल्लू ही नहीं है। मैं कब से इसका इंतजार कर रहा हूँ रिहर्सल के लिए, पर पता नहीं कहाँ चला गया है। क्या बल्लू नहीं है? लेकिन माना, तुम्हारा और बल्लू का तो सेकंड परफॉर्मेंस है। रिलैक्स सर, आप हमारी परफॉर्मेंस के बारे में चिंता मत कीजिए। क्यों चिंता नहीं करूँ? क्योंकि सर, सेकंड परफॉर्मेंस तो तब शुरू होगी ना जब फर्स्ट परफॉर्मेंस शुरू होगी। अब तक तो मेहर भी नहीं आई है। क्या तुम ना टेंशन में और टेंशन बढ़ाने वाली बात कर रहे हो? मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। एक काम करो, तुम और तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, तुम दोनों भी मेहर और बल्लू को ढूंढो, हैं? जल्दी से मिल जाए तो मेरे को बताना। मेहर, जवाब
मेहर मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? कहीं उसे कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेहर 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 तुम कहाँ? मेहर जवाब दो, मेरे सामने आओ। मेहर कहाँ? मेहर अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेहर मेहर कहाँ हो तुम? मेहर गई खाई में। बाबूजी अरे बाबूजी यहाँ आइए। साढ़े पांच बज गए हैं, अभी तक प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है। 5 बजे तो सम्मान समारोह शुरू हो जाना चाहिए था ना। महेश बच्चों का कार्यक्रम है, छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है। अरे वाह, हमारे कुछ किए भी नहीं ये सम्मान समारोह खराब हो गया। अच्छा ही हुआ, वरना आपके करने से तो वैसे भी कुछ नहीं होता। क्या बात कर रहा है तू केवल, होता तो है सारा काम उल्टा हो जाता है। मानो मैं इससे पहले मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगाता हूँ। चलो इसी बहाने अपने माना तो सही कि हम में भी अकल है। हाँ हम आपकी तरह बेअकल थोड़ी है। हर जगह ढूंढा सर, महर और बल्लू कहीं नहीं मिले। तो अब क्या करें? अरे बालवीर का आने का समय हो रहा है और ये दोनों बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। मैं काम करता हूँ, स्टेज पे जाके अनाउंस करता हूँ, जहाँ भी होंगे वापस आ जाएंगे। जाओ। शांत शांत शांत, अपनी तालियां बचा के रखिए। अरे सर ये पेट्रोल थोड़ी ना है बच्चा के रखने के लिए। मेरा मतलब है कि प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। दरअसल हमारे दो बच्चे कलाकार मेहर और बल्लू अपने प्रोग्राम की रिहर्सल करते करते इधर उधर चले गए हैं। मैं उन्हीं की अनाउंसमेंट करने के लिए स्टेज पर आया हूँ। महेश बल्लू का गायब होना तो समझ आता है। हाँ? मेरा मतलब है बल्लू गायब होकर वापस आ जाता है, लेकिन मेहर कहाँ चली गई होगी? नहीं स्मिता तुम फिक्र मत करो, दोनों साथ में ही होंगे, आ जाए। बल्लू मेहर जहाँ कहीं भी हो स्टेज के पास आ जाओ बेटा। बल्लू मेहर। महेश बल्लू और मेहर ठीक तो होंगे ना? हाँ स्मिता ठीक होंगे। उनके साथ बालवीर है ना, उनका फेवरेट बेबी भी है ना, तो वो हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने देगा। हाँ मैं भी ना खामखा फिकर कर रही हूँ। बालवीर जब तक है तब तक बच्चों को कुछ नहीं होगा, और मेहर का तो वो बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, उसे हाँ। तो खरोच भी नहीं आने देगा। नहीं 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 आने देगा। मेहर 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 कहो तुम, मेहर कहो तुम, मेहर मेहर बताओ, मेहर बताओ कहो तुम, मेहर कहो तुम, मेहर मेहर अगर तुम मुझे नहीं मिली मैं माँ को कैसे बताऊंगा? पापा दादा दादी जी ऐसे समझाऊंगा उन्हें? मानव और रॉकी चाचू से नजर कैसे मिलाऊंगा मैं? मेहर तुम जहां भी हो जल्दी आ जाओ। बालवी क्या हुआ मेहर को? वो ठीक तो है ना? और तुम यहाँ जंगल में इस तरह परेशान होके मेहर को क्यों पुकार रहे हो? जवाब दो बालवी। तुम इस तरह से चुप रहोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? बोलो बालवीर।
अब मेरी मदद कोई नहीं कर सकता नटखट परी, मुझसे जो गलती हुई है उसे अब कोई नहीं सुधार सकता, कोई नहीं। तुम इतनी निराशा वाली बातें क्यों कर रहे हो बालवीर? मेहर कहाँ है? वो ठीक तो है ना? नहीं नटखट परी, मेहर बिल्कुल ठीक नहीं है। वो हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई। ये तुम क्या कह रहे हो बालवीर? वही जो सच है नटखट परी। हार गया नटखट परी, हार गया। नहीं बालवीर, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और इस सब के लिए तुम अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं नटखट परी, ये मेरी ही गलती है। और अपनी इस गलती के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं कहते बालवीर। और तुम चिंता क्यों करते हो? हम दोनों मिलकर उसे जंगल में खोजेंगे, मेहर मिल जाएगी। मैं सब जगह खोज चुका हूँ नटखट परी, लेकिन मेहर मुझे कहीं नहीं मिली। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे उस वाहन के पीछे जाने से पहले मेहर को किसी सुरक्षित स्थान पर खड़ा करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे उस खाई के पास खड़ा किया और वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई नटखट परी, कैसे हो गई? नहीं बालवीर, तुम इस सब के लिए अपने आप को दोष मत दो। ये सिर्फ एक दुर्घटना है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आप मुझे समझा सकती कि एक दुर्घटना थी, लेकिन मैं कैसे समझाऊंगा? माँ, पापा, दादा, दादी, मानव, रॉकी, चाचू, कैसे समझाऊंगा उन्हें? मैं उनसे अपनी नजर कैसे मिला पाऊंगा? कैसे बताऊंगा कि मैं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया? बालवीर जब बच्चों की मदद करता है, उन्हें सुरक्षित रखता है, आज उसी की वजह से मैं बहुत बड़े खतरे में फंस गई। जिस परिवार को मैंने हमेशा खुश देखा है, उनकी आंखों में आंसू कैसे देख पाऊंगा मैं? कैसे? संभालो अपने आप को बालवीर, संभालो। अभी तो तुम्हें हिम्मत करके अपने परिवार को मेहर के साथ हुई इस दुर्घटना के बारे में बताना है। मैं ये नहीं कर पाऊंगा नटखट परी, नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें ये करना पड़ेगा बालवीर, वो मेहर का परिवार है, उनका ये सब जानना बहुत जरूरी है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.